शिवसेना मोदी सरकार पर निशाना साध रही है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में मोदी सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। बड़ी खबर इस वक्त की। साथ ही देश में आर्थिक मंदी को लेकर भी शिवसेना अब सवाल खड़े कर रही है। देखिए मुखपत्र में ये लिखा है कि मंदी की वजह से दिवाली पर बाजारों में रौनक नहीं है, लोगों की जेब खाली है, बेरोजगारी बढ़ी है। सामना में जो लेख लिखा गया है उसमें कहा गया है कि नोटबंदी और जीएसटी के कारण आर्थिक हालात खराब हुए, सरकारी तिजोरी भी खाली दिख रही है और रिजर्व बैंक की सुरक्षित राशि भी सरकार ने निकाल ली है। वहीं ऑनलाइन शॉपिंग के माध्यम से विदेशी कंपनियों की तिजोरी भरती चली जा रही है। तो सामना में मोदी सरकार पर निशाना साधा गया है। किसानों की अनदेखी हुई ये तो कहा ही गया, इसके अलावा नोटबंदी और जीएसटी के पर निशाना साधते हुए मोदी सरकार पर कई प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। दिवाली पर रौनक नहीं दिखाई दी इस बार, आर्थिक मंदी इसकी वजह है। इसके अलावा बैंकों की खस्ता हाल हालत है, आरबीआई का जो रिजर्व फंड था उसे भी सरकार ने इस्तेमाल कर लिया है, ये तमाम तरह के आरोप। इसके अलावा प्रश्न चिन्ह बीजेपी सरकार के ऊपर। तो शिवसेना और बीजेपी के बीच की जो दूरियां हैं, जो तल्खियां हैं, वो आज सामना के जरिए भी सामने आई और संपादकीय में ये तमाम प्रश्न उठाए गए हैं।